डेफिनेशन मैंने बोला भी था कि कोलिजन क्या है. कोलिजन एक शॉर्ट इंटरवल इंटरवल का इवेंट है, ठीक है, इवेंट है. और इसमें आप दो बॉडीज ले सकते हो या दो से अधिक बॉडीज आपस में टकरा रहे, आपस में कोलाइड करा रहे. लेकिन जब ये हो रहा है तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है कि बॉडीज का जो कोलाइड कर रही है उनका मोमेंटम और उनकी एनर्जी, ठीक है, मोमेंटम और एनर्जी जो हो जाती है चेंज हो जाती है या उसमें बदलाव आ जाता है, चेंज हो जाती है, बदलाव आ जाता है. तो इसी के फलस्वरूप हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कोलिजन देखे थे, टाइप्स ऑफ कोलिजन देखे थे. क्या देखे थे टाइप्स में? टाइप्स ऑफ कोलिजन में सबसे पहले हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन देखा, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है. और ये इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन किसके ऊपर डिपेंड, हम लोग जो टाइप्स हैं, जो टाइप्स हैं वो हम लोग किस पर डिपेंड करवा रहे हैं कि हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, हमारी फोर्स जो इन्वॉल्व हो रही है वो क्या कर रही है, या उसका जो लीनियर मोमेंटम है उस प्रोसेस में वो क्या कर रहा है. तो अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा. काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी. टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी. इवन द फोर्सेज इन्वॉल्व, फोर्सेज इन्वॉल्व वो क्या हो जाएगी, वो भी कंजर्व हो जाएगी. लेकिन जैसे ही हम इन इलास्टिक कोलिजन्स लेते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन्स लेते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें लीनियर मोमेंटम तो क्या होता है, कंजर्व होता है. काइनेटिक एनर्जी बेटा कंजर्व नहीं होती है, नॉट कंजर्व, नॉट कंजर्व, ठीक है. टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, भले वो किसी अलग फॉर्म में चली जाए, हीट वगैरह में मैक्सिमम टाइम पे होती है. और आपका जो फोर्सेज इन्वॉल्व है, फोर्सेज इन्वॉल्व है वो भी कंजर्व नहीं रहते. हम बताएंगे कितने टाइप के कोलिजन होते हैं. पहले एक छोटा सा ब्रीफ देख लो. हो सकता है कि दोनों ही बॉडी मूव करें जो आपस में टकरा रहे हैं, हो सकता है कि एक बॉडी मूव करे एक ठहरा हुआ रहे, फिर वापस आपका कोलिजन दोनों ही मूव करते हैं, इसमें भी दोनों मूव कर रहे हैं, इसमें भी दोनों मूव कर रहे हैं. या ऐसा भी हो सकता है कि ये तो मूव कर रहा है, कोलाइड हो गया, ये तो आगे बढ़ गया पर ये मूव नहीं किया. या ऐसा भी हो सकता है कि ये आपस में दोनों तो कोलाइड किए, फिर दोनों चिपक गए और आपका कोलिजन वो दोनों ही एक साथ ही जा रहे हैं, ठीक है. तो ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट परिस्थितियां होती है कोलिजन की. एक आपका आता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, एक होता है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. देखो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की क्या प्रॉपर्टी होती है, इन इलास्टिक कोलिजन की जो प्रॉपर्टी है वो तो है, लेकिन जब ये कोलाइड होते हैं ना तो फिर बाद में आफ्टर कोलिजन क्या होता है, दोनों एक साथ ही मूव, दोनों एक साथ ही मूव करते हैं. परफेक्टली कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन होते हैं आफ्टर कोलिजन बॉडी स्टक टुगेदर, ठीक है, वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और फिर कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं, कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं, ठीक है. दे मूव आफ्टर द कोलिजन विद अ कॉमन वेलोसिटी. ये आपके परफेक्टली इसका एग्जांपल है इलास्टिक कोलिजन का. हम लोग गांव में देखते हैं, देखा है ना गोबर के उपले सपाट दीवार पे जमाते, वो दीवार पे ही चिपकी हुई रहती है, ठीक है. अच्छा गोलियां जो दागी जाती है वुडन ब्लॉक्स पर और ये जो गोलियां दागते तो वो उसी में चिपकी हुई रहती है, ठीक है. सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ योर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक. तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन आपकी लीनियर मोमेंटम कोलिजन में हमेशा ही कंजर्व होती है. तो हम लोग जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में आप लोगों ने एमएससी में देखा होगा कि आपको जो पार्टिकल्स के निकाले जाते हैं तो मोमेंटम को कंजर्व करवा के ही निकाले जाते हैं, ठीक है. तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब क्या करेंगे, कोलिजन देखेंगे और एक जनरल सा फॉर्मूला निकालेंगे. लेकिन जो वन डायमेंशन कोलिजन को हम लोग हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं. इसमें क्या है, एक तुम्हारे पास ये है, ठीक है, एक मान लो एम वन है, एक मान लो एम टू है, इसके पास वी वन है, इसके पास वी टू है, इसके पास वी वन है, इसके पास वी टू है, सब 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 वेक्टर्स हैं, ठीक है, क्लियर है. अब ये आके इससे टकरा है, ये आके इससे टकरा है,
तो ऑब्वियस ही बात है यू वन ज्यादा होगा यू टू के रेस्पेक्ट में बिफोर कॉलिजन ठीक है। और साथ ही साथ जब ये इसके पास आ रहा है दैट मींस यू वन माइनस यू टू जो है ये क्या हुआ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख लो उसको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये सारी चीजें कब हो रही है बिफोर कॉलिजन। लेकिन जैसे ही हम आफ्टर कॉलिजन आ जाएंगे आफ्टर कॉलिजन अच्छा ये जो वन डायमेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं ये इलास्टिक कॉलिजन का पढ़ रहे हैं ठीक है इलास्टिक कॉलिजन मुख्यतः इसमें हमें क्या देखना है लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही क्या है कंजर्व्ड है ठीक है। अब देखो आफ्टर कॉलिजन क्या हुआ आफ्टर कॉलिजन इसके पास वी टू वेलोसिटी होगी और ये वी टू वेलोसिटी जो होगी वो आपके वी वन वेलोसिटी से ज्यादा होगी ठीक है। अब तो जब ये हो गया दैट मीन्स की वी टू माइनस वी वन जो है ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रिलेटिव वेलोसिटी लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा हिंट आपको इस ई वी इन सब का दिया था जो आएगा वो वन डायमेंशनल हेड ऑन कॉलिजन होगा ठीक है। इसका हम अगर अच्छा जो भी बोले कि मैंने अगर सेम अभी सेम वाला नहीं करते क्योंकि सेम वाला इजी हो जाता है अभी हम लोग दोनों की मास को अलग रखते हैं ठीक है। तो इसको मान लो छोटा और इसको मान लो बड़ा ठीक है क्लियर है ना अभी ये चीज क्लियर है कि नहीं। अब देखो जो जो कंडीशन अप्लाई होगा पहले तो हम लोग क्या कंडीशन लगाएंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई एम वन यू वन का प्लस एम टू यू टू का इज इक्वल टू होगा एम वन वी वन का प्लस एम टू वी टू का होगा कि नहीं होगा होगा ना ये चीज तो होगी ही होगी ठीक है। अब एम वन एम टू यू वन यू टू ये सारी चीजें हम लोग और चीज निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं बताइए। एक तो हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर कर लोगे इक्वेट करेंगे इसमें से अगर मैं क्या करूं इसमें से एम वन यू वन और माइनस एम वन वी वन ले जाओ और इधर करो एम टू वी टू माइनस करो एम टू यू टू को तो एम वन और एम टू कॉमन निकल जाएगा इधर से भी वही चीज करेंगे एम वन और एम टू को कॉमन निकालेंगे निकाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो एम वन कॉमन ले लिया अगर तो यू वन माइनस वी वन इज इक्वल टू एम टू कॉमन ले लिया तो वी टू माइनस यू टू हो जाएगा और इधर सबका हाफ को पहले हटाओ ठीक है एम वन यू वन स्क्वायर माइनस एम वन वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू एम टू वी टू स्क्वायर माइनस एम टू यू टू स्क्वायर ठीक है। तो एम वन कॉमन ले लेंगे तो यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू एम टू कॉमन ले लेंगे वी टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर ठीक है वही रेशियो है वही चीजें हैं तो हम लोग को एक रेशियो मिलेगा इस तरह इसके साथ सॉल्व कर लोगे ना इसका इसके साथ हमें एक रेशियो मिल जाएगा एक इक्वेशन मिल जाएगा क्यों क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल्स ही हैं और इधर दो वेरिएबल्स हैं ठीक है। और इधर भी वही सिस्टम है इधर माइनस है तो माइनस क्या होता है प्लस प्लस हो जाता है ना ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे तुम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ठीक है। तो हम लोग जो नॉर्मल एल्जेब्रिक सॉल्यूशन निकालते हैं वो दोनों निकालेंगे बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कंसंट्रेट किया करना था कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या दिया जाता है कॉलिजन तो समझ में आ गया ना कॉलिजन का इक्वेशन कैसे बनते हैं समझ में आ गया। अब आपके एग्जाम में अगर मान लो बोल दे कि दोनों मास सेम तो सिस्टम यहीं पे सरल हो गया। अगर मान लो बोल दिया कि पहले वाला मोशन पे था दूसरा वाला मोशन पे नहीं था तो यू टू तो जीरो हो गया। फिर बोला गया कि भैया टकरा के स्टॉप हो गया है एक स्टॉप हो गया एक आगे बढ़ गया वेलोसिटीज तो किसी के एक को स्टॉप कर दोगे और एक और बढ़ तो चीजें क्या होंगी इससे सरल होती जाएंगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्लियर है ना। कॉलिजन में यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ठीक है कॉलिजन में यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कोई भी आप फॉर्मूला लर्न नहीं करोगे कोई भी आप फॉर्मूला प्लीज लर्न नहीं करोगे ठीक है क्लियर है। अब एक दूसरा हम बताएंगे टू डायमेंशनल वाला दो डायमेंशन में बात करें
टू डायमेंशन कॉलिजन। तो टू डायमेंशन कॉलिजन कैसे होगा कि मान लीजिए कि जो आपका एम वन है वो ऐसे है, ठीक है, वो आके टकराया आपके एम टू से ऐसे, ठीक है, कुछ भी इसको छोटा कर देते हैं, चलो इसको उड़ाना है ना, इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, ये आके टकराया ऐसे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि बीच में आए, ठीक है, ये आपका एम वन है, एम वन एक वेलोसिटी यू वन पर है, ठीक है, एम टू भी आपका एक वेलोसिटी यू टू पर था, ओके एम टू, लेकिन ये जब इस पर टकराया तो हम क्या करेंगे, ये इसका अगर एक्सिस था हेड ऑन कॉलिजन का वन डायमेंशन में तो ये चिथड़े हुए इसके, एक किस डायरेक्शन में गया, एक किस डायरेक्शन में, मतलब वो किसी एंगल से गया, क्लियर, तो मान लो एक एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं और एक एंगल को मैं फाई बोल दूं तो इसका मतलब जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, इसके कॉम्पोनेंट से होगा, लीनियर मोमेंटम जो होगा वो इसके कॉम्पोनेंट से होगा, सो व्हाट आई मोमेंटम का कंजर्वेशन करा, अगर मैं लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन कराऊँ परफेक्टली बॉडी इलास्टिक है तो यानी कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो तो कंजर्व होगा, पहले काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन करवाते हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 m1 u1 स्क्वायर वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, लेकिन जब जो चेंजेस होंगे ना, चेंजेस होंगे कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स में वो आपके किस में होंगे, लीनियर मोमेंटम में होंगे, याद रखने वाली बात यही है आपकी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि जितने भी आप cos थीटा ये थीटा वो थीटा करोगे, sin थीटा cos थीटा sin pi cos pi जो भी करोगे आप इस वजह वो आपके लीनियर मोमेंटम में है, ठीक है, तो अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूं तो आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा, मैंने आपको बोला कि चिथड़े उड़े हैं, मैंने आपको बोला कि ये इसमें टकराया तो इसके चिथड़े उड़े हैं, मान लो उड़ के ये m1 यहां चला गया और उड़ के ये m2 यहां चला गया, स्कैटरिंग वाला फेनोमेना अगर हो गया, कुछ भी हुआ तो ये उड़ के चला गया, तो इसका मतलब बिफोर कॉलिजन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, बिफोर कॉलिजन आपका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1, ठीक है, उसके लिए और दूसरे वाले के लिए क्या हो गया, m2 u2, लेकिन फाइनल मोमेंटम के लिए क्या होगा बताओ, आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन वाला केस क्या हो जाएगा, u1 की परिस्थिति क्या हुई, थीटा के साथ जा रही है, थीटा ऐसे जा रही है, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्योंकि ए जो गया ऊपर की तरफ गया जहां पर थीटा एंगल है और नीचे ये आया, अब मुझे बताओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे x एक्सिस पर तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये वाला हम आफ्टर कॉलिजन कब लगा रहे हैं, ये जो हम लगा रहे हैं ये हम x एक्सिस पर लगा रहे हैं, x एक्सिस पर लगा रहे हैं तभी ये cos थीटा आएगा, ठीक है, तो कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर मैं x एक्सिस के अलावा लगाऊं तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका पहला वाला m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 cos theta plus m2 v2 cos phi, ठीक है, similarly conservation of linear momentum अगर मैं y axis में लगाऊं तो क्या हो जाएगा मेरा m1 u1 plus m2 u2 is equal to क्या हो जाएगा m1 v1 sin theta plus m2 v2 cos sin phi हो जाएगा कि नहीं, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि ई, ये क्या बताता है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है कि बॉडी में जो कोलिजन हुआ वो क्या हुआ, इलास्टिक हुआ या इन इलास्टिक हुआ, क्या है इसका मतलब, यानी कि ई इज इक्वल टू आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्या था बताओ भाई, सेपरेशन वाला v2 माइनस v1, ठीक है, और अपॉन आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, और ये क्या था आपका u1 माइनस u2, हाँ कि नहीं, यही था, अब देखो अगर इस e की वैल्यू जीरो आ जाती है इसका मतलब क्या है, इलास्टिक
ठीक है, और यही अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो क्या हो जाएगी, इलास्टिक बन जाएगी। इसका मतलब E की वैल्यू, ये आपका एमसीक्यू के टाइप का छोटा सा एमसीक्यू आ सकता है कि E की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करती है, तो आप बोलोगे 0 से लेके आपके 1 के बीच में E की वैल्यू लाई करती है, और E बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, ये कहेगा कि आपकी बॉडी में जो कोलिजन हुआ वो इलास्टिक हो रहा है या वो इन इलास्टिक हो रहा है। तो शायद ये क्वेश्चन कहीं आया है, किसी में आया था कि कोफिशिएंट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन आप निकालिए, बता देगा, चिंता मत करो। आपको अगर प्रोसेस पता है, मैंने ये प्रोसेस सिर्फ आपको इसलिए बताया कि आप अब जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, कि क्वेश्चन में दिया है इक्वल मास, क्वेश्चन में दिया है स्टॉप है, क्वेश्चन में दिया है मोशन कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या भी दिया है, इक्वल मास नहीं भी दिया है या समटाइम्स दिया है, तो ये सारी चीजें आप निकालोगे। कैसे निकालोगे, बस सिंपल सा उसमें वो चीज पुट कर, ठीक है, ये पता। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे आपको अलग अलग केसेस के अलग अलग फॉर्मूला याद मिल जाएंगे, ये सारे निकले हुए हैं, कुछ याद नहीं करना, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब हम थोड़ा सा